आज के सेशन का थीम है मिरेकल्स। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मुझे यहाँ पर स्टेज पर 3 वॉलंटियर्स चाहिए। सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो एकदम थाड़। सुनो पहले कि करना क्या है। एक कॉन्टेस्ट होने वाला है यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पर आना है। आप में से जो मैं 3 वॉलंटियर्स सिलेक्ट करूँगा, उन्होंने आकर के यहाँ पे सब लोगों के साथ में स्टेज पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। उनको बताना है कि मेरे सेशंस को देखने के बाद में आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है जो अपने आप में एक मिरेकल है। सुनने में छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं कि पहले मैं बहुत बुरा इंसान था, अब मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया, मैं बहुत परेशान था, अब मैं बहुत खुश हूँ, ये सब नहीं करना भाई यहाँ पर आकर के। जेन्युइन एक्सपीरियंस। अब कॉन्टेस्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 लोग एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिसके भी एक्सपीरियंस पर सबसे ज़्यादा हूटिंग होगी और सबसे ज़्यादा तालियाँ बजेंगी, वो विनर होगा आज के इस कॉन्टेस्ट का। और उस विनर के साथ में मैं पूरा एक दिन अपने ऑफिस में स्पेंड करूँगा। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। अब बताइए आप में से कौन है जो आना चाहेगा, जिसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। आइए, आप आइए। मेरा नाम हिमश्वेता है। सो लाइक बीबीए करने के बाद मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी, एंड मेरा इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में है फ्रॉम 6 क्लास। 7 महीने 8 महीने तक मैंने जॉब करी, देन आपकी वीडियोस देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जब इंटरेस्ट अगर म्यूज़िक है तो मैं ये क्यों कर रही हूँ। सो मैंने वो जॉब छोड़ दी एंड अभी आई एम फोकसिंग ओनली ऑन म्यूज़िक। एंड सो लाइक ये तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चेंज था। ऑल्सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग व्हेन आई सॉ योर वीडियोज़, तो उसके बाद मेरे को अब गुस्सा नहीं आता है। अगर कोई 2 लोग लड़ रहे होते हैं उनको देख के मूड खराब हो जाता था, बट आई लाइक फील लाइक उनको देख के गुस्सा ही नहीं आता, हंसी आती है। तो यही हुआ, तो लाइक ये बहुत बड़ा चेंज है बिकॉज अब मेरा मूड खराब होना बंद हो गया। लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी। वेरी नाइस, मतलब आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आ जाओ, रेड शर्ट वाले आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसके बाद ऊपर से, इसके बाद ऊपर से। 3 की बजाय मैं 4 ले रहा हूँ, अब अगला ऊपर से, ठीक है? मेरा नाम नीलेश गुप्ता है एंड मैंने सर की 2013 से स्टार्टिंग में वीडियो देखनी स्टार्ट की थी। तब मेरी सैलरी हुआ करती करीबन 3800 रुपये। मैंने 2000 रुपये से करियर की शुरुआत की थी। नाउ आई एम गेटिंग, मेरी 24000 रुपये सैलरी है। डेटा एंट्री की जॉब में थोड़ा प्लस है उससे, और इंसेंटिव मिल जाता है थोड़ा 5-7 हज़ार रुपये। तो ये मेरे लिए एक पैसे के मामले में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप आ जाओ, टाई वाले, टाई वाले। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो जी, क्या हाल चाल? सर, 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 आप बहुत बड़ा फैन है सर। क्या बात है, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा चमत्कार। बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आम निखिल गंभीर, CA स्टूडेंट हूँ, फाइनल में हूँ। मुझे स्टेज फियर बहुत था, बहुत ज़्यादा स्टेज फियर, बहुत डर लगता था। जब भी स्टेज पे जाता था ब्लैंक हो जाता था। एक बार मेरे एक टीचर है मुकेश सर, उन्होंने प्लान बनाया निखिल को फंसा देते हैं। कैसे? सर हज़ारों की भीड़ थी, तो सडनली ना मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो नेक्स्ट वन इज निखिल गंभीर। आई वॉज वेटिंग निखिल गंभीर, हु इज निखिल गंभीर, अनदर वन। तो मैं पीछे देख रहा शायद कोई और होगा, बट दोबारा सर ने कहा बेटा तेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा सर मुझे तो डर लगता है, ऑलमोस्ट 1000 पीपल मेरे सामने थे, 15 सेकंड का टाइम था। सर ने कहा स्टेज पे जा और बोल गया बेटा, चल अब डर मत। मेरा, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हार मान चुका था बेटा, अब तो हो गया काम मेरा। मुझे याद आया मैं संदीप महेश्वरी सर के सेमिनार इतने देखता हूँ बेटा, वही चक्कर चलाएंगे अब कुछ। मैंने क्या किया, रास्ते रास्ते में 15 सेकंड में, मतलब मुझे 2 चीज़ें सुनाई दे रही थी, एक मेरी दिल की धड़कन और मेरी पैरों की आवाज़। तो मैं रेडी हो गया, मैंने कहा महेश्वरी सर का सेमिनार मैंने बहुत बार देखा है, क्या उनके डायलॉग कॉपी कर सकता हूँ? मैं स्टेज पे गया, जैसे जैसे माइक पकड़ा सर, मैंने 1.5 घंटा सेमिनार लिया इन द फ्रंट ऑफ ऑल CA and CFAs, और आपकी एक एक डायलॉग को सर एज इट इज कॉपी मार दिया सर मैंने, और मैं आई गॉट फर्स्ट पोजिशन देयर, फर्स्ट पोजिशन देयर। एंड सर
मैं एक आधा कॉपी मारू एक एक आधे का सर प्लीज आप ये सोचना मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ सर। हाँ, नहीं 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 उड़ा भी रहे हो तो अच्छा है मजा आएगा। नहीं नहीं सर मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा। अच्छा मुझे एक दोस्त मिला मेरा कल, वो मुझसे पूछ रहा संदीप तुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। तो मैंने कहा कि यार जब मैं छोटा था ना तो मेरी दादी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी जिसे मैं रोज सुनता था और रोज रोता था। वो कहानी क्या थी, एक ऐसे आदमी की जो हर जगह खुश रहता था, यहाँ पर वहाँ पर सब जगह। एक दिन ना उसके अंदर लालच आ गया, बहुत ज़्यादा लालच आ गया, वो सबसे लड़ने लग गया, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, सबसे। एक दिन जब वो मरने वाला था ना, उसकी लाइफ के कुछ आखिरी सेकंड्स चल रहे थे, तो उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकले कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। उस टाइम मैं रोता था, मैं सोचता था यार जब मैं मेरे कुछ लाइफ के आखिरी सेकंड्स चल रहे होंगे तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा अपने इन सब लोगों से। उस टाइम समझ नहीं आता, आज समझ में आता है कि जब मेरी लाइफ के वो आखिरी सेकंड्स चल रहे होंगे, आंखों में आंसू होंगे, मन में एक बात होगी यार मजा आ गया, क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। बस कर पगले रुलाएगा क्या। बस कर एक मिनट बस ये लास्ट है अब एक्सपीरियंस, इसके बाद में मैं आगे सेशन को कंटिन्यू करूंगा। आप थोड़ा आगे जी। आसाने दोस्तों मेरा नाम अमर है, थोड़ा माइक पास कर लीजिए। मेरा नाम अमर है और मेरे को एनकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मेरे स्पाइन में है और जब मैं चेयर से उठता था तो गिर पड़ता था। इनका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार बट वन जो मैंने देखा उसके बाद इतना एंथुसिज्म आ गया मेरे अंदर कि मैं रोज जाके एम्स की लाइन में लग जाता था। आपको पता होगा एम्स में किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, लेकिन मैं पागलों की तरह बिल्कुल जाके लगा हुआ। मुझे इलाज करने में नेट पे देख चुका था कि यही मेरा इलाज है, यही हो सकता है, सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ तक कि PhD कर ली उसमें। तो वहाँ जब डॉक्टर के पास गया मैंने, डॉक्टर साहब ये चीज़ है, इस टाइप से हो रहा है, इस तरीके से, और यही इसका इलाज है। तो बोले क्या शुरू कर दें, आप तो सब पढ़ के आए हो। मैंने बस यही चाहता हूँ और वो मेरा शुरू हो गया। उसके बाद मेरे को डांस का पैशन है और आज भी मैं किसी भी आपको यंग में से कोई भी आ जाए तो उससे हरा सकता हूँ आज भी डांस। क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने कई ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे। हाँ विनर कौन है बताइए, इशारा कर दीजिए किस तरफ है विनर। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम, ही इज द क्लियर विनर। अब ये जो हुआ है यहां पर, इसका आज के सेशन से क्या कनेक्शन है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विद टुडे सेशन। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूं, मैं भगवान हूं। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या आप लोगों के पास में कोई भी ऐसा रास्ता है, कोई भी ऐसा तरीका है जिससे आप ये प्रूव कर सको कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। सोचो, आराम से सोचो। कुछ लोग मान जाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं, कुछ मान जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं मानने की बात नहीं कर रहा, बिलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं जानने की बात कर रहा हूं कि क्या आपके पास में कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप ये जान सको कि मैं भगवान हूं या नहीं हूं। कि मैं उसका मैसेंजर हूं या नहीं हूं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप मुझे बोल सकते हो कि मैं नहीं मानता, आप प्रूव करके दिखाओ, हमें कोई मिरेकल दिखाओ। आज अगर हो सके तो मेरे सेशन की एक एक लाइन को ध्यान से पकड़ना,
बिकॉज बहुत डीप में जाने वाला हूं मैं, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर लाइव्स. यहां पर हमारी डे टू डे लाइफ के बारे में बात हो रही है, किसी इमेजिनेशन के बारे में बात नहीं हो रही है. हमको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालने की बात हो रही है. पहले हमको प्रॉब्लम को पकड़ना तो पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या, तभी तो हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के. पहले समझ तो आए कि भगवान निकालेगा हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, चाहे वो प्रॉब्लम्स कैसी भी हो, पैसे से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो निकालेगा या आपको ही निकालना पड़ेगा. तभी तो आपको समझ आएगा कि करना क्या है, अपनी एनर्जीज को कहां लगाना है, कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर है. जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर है जो दूर कहीं पर है, या आपके अपने ऊपर है. आप बोल तो रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं आप, पहले वो देखिए कि क्या आप जो अभी बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो एक ही है या अलग अलग है. सोचिए, दिस इज अ सेशन जिसमें आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछते चले जाने हैं. पूछते चले जाओ. हो सकता है उन सवालों को पूछने से जो हमारा माइंड ऑटो पायलट पर चल रहा है वो बीच में एकदम से ब्रेक लग जाए. एक प्रोग्रामिंग हो रखी है बचपन से आज तक, हमारे अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी गई है और हम बिना सोचे समझे उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलते चले जा रहे हैं, बिना ये पूछे कि जो हम कर रहे हैं क्या वो रास्ता सही भी है या नहीं है, क्या हम जो कर रहे हैं डज इट मेक सेंस और नॉट. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा कि क्या कोई रास्ता है. कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक है कि आप ये बोल सकते हो कि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बकवास कर रहे हो, आई डोंट बिलीव इट, आप प्रूव करो, हमें कोई मिरेकल दिखाओ, राइट. यही है जानने का तरीका कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं. अगर मैं कोई ऐसा मिरेकल दिखा दूं जिसको देख करके आप सबकी आंखें फट जाएं तो क्या होगा, मान जाओगे कि हां यह शायद सच बोल रहा है. आपने सुना होगा कि जो भगवान है उनके आसपास में यहां पर पूरा एक ऑरा होता है, एक लाइट होती है जो नॉर्मल लोगों के आसपास में नहीं होती. सुना है, सबने सुना है? तो अगर अभी मैं यहां पर मेडिटेशन में जा करके अपने यहां पर एक सर्कल क्रिएट कर दूं, अपने पीछे मेरी ये जो थर्ड आई है एग्जैक्ट इसके पीछे यहां पर एक बड़ा सा सर्कल क्रिएट कर दूं तो क्या आप मान जाओगे? सर एक बार कर दो. कितने लोग देखना चाहते हैं मिरेकल? सब चाहते हैं. तैयार हो जाओ. लाइट की जरूरत ही नहीं है, यहां पर जो लाइट आएगी आप लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी. लाइट से आपकी आंखें बंद होंगी जो मेरे यहां से लाइट निकलने वाली है. लेट्स सी. इनके ऐसे ऐसे पैर हिल रहे हैं. लेट्स सी. भगवान चमत्कार दिखाने वाले हैं. लेट्स सी. तैयार हो जाओ. लेकिन उसके लिए मेरे को एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए. यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस. क्या देख रहे हो? क्या हुआ है? बस ऐसे लोग आपके माइंड को कंट्रोल में करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता. यू डोंट इवन नो दैट. चमत्कार देखना है? हाँ देखना है. सबके हाथ ऊपर और सब ध्यान से देख रहे हैं क्या होने वाला है. और मन में एक डाउट है कि शायद हो भी जाए, शायद लाइट दिख जाए. किसी को दिख तो नहीं गई? हो सकता है किसी को दिख भी गई हो. वो तो मैंने हंस दिया. अगर मैं नहीं हंसता तो सीरियसली बता रहा हूं, मैं पूछता किसी को दिखी क्या? एक बंदा खड़ा, प्रभु जी और मैं भी समझदार तो हुई तो मैं यहीं से इशारा करता, मैंने सिर्फ इनको वो आंखें दी थी देखने.
बाकी लोग नहीं देख सकते, आप सब पापी हो, सिर्फ एक ये पुण्य आत्मा थी इसलिए इसको दर्शन हो गए। समझो हो क्या रहा है, जब तक हमारे अंदर से ये चमत्कारों के ऊपर जो विश्वास है ना, ये खत्म नहीं होगा, तब तक हमारी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लाइफ की डोर आपके हाथ में नहीं है, आपको पता ही नहीं है किसी और के हाथ में। जरा सोचो, अगर अभी यहां पर लाइट दिख जाती तो क्या होता, कैन यू इमेजिन कि क्या होता? मैं बताता हूं, पहले मैं आपको यह बताता हूं कि लाइट दिखती कैसे। अगर मुझे इस लाइट को यहां पर क्रिएट करना है, आप में से कितने लोगों ने मैजिक शोज देखे? सबने देखे। मैजिक शोज में क्या होता है, एक जादूगर आता है स्टेज के ऊपर और एक लड़की को उड़ा देता है हवा के अंदर, सब लोग देखते रह जाते हैं आंखें फाड़ फाड़ के, और उसके नीचे से ऐसे हाथ निकालता है, देख करके कोई बता नहीं सकता कि वो कर क्या रहा है और कैसे कर रहा है। लेकिन क्या वो कोई चमत्कार है? दैट इज साइंस। जब एक लड़की को हवा में उड़ाया जा सकता है तो यहां पर लाइट जलाना क्या बड़ी बात है? हाथ को ऐसे करके हाथ में से कबूतर निकाला जा सकता है तो प्रसाद निकालना क्या बड़ी बात है? इमेजिन, क्या चमत्कार चाहिए आपको, बताओ ना, मैं दिखाऊंगा आपको। मुझे सिर्फ 2 साल की मैजिक की ट्रेनिंग लेकर के आनी है बाहर किसी कंट्री से, इन डेप्थ सीख करके आना है हाथ की सफाई। ये है सबसे पहला स्टेप, ये प्रूव करने का कि मैं भगवान हूं। और एक बार वो हो गया जो मैं चाहता हूं, उसके बाद में सोचो मेरी पावर्स कितनी होगी। जितना पैसा मुझे चाहिए 1 सेकंड में मेरे हाथ में आएगा। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन यहां पर हाथ जोड़ करके ऐसे बैठा होगा, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अब होगा क्या, ऐसे लोगों में कुछ लोग तो ब्लाइंड फेथ करेंगे मेरे ऊपर, ब्लाइंड फेथ कि भैया लाइट देख ली ना वीडियो के अंदर भी और यहां पर भी, इसका मतलब सच है। और वो लोग जिनके अंदर डाउट होगा, ऐसे लोग भी यहां पर बैठे होंगे जिनके अंदर डाउट होगा कि ये ठीक है चमत्कार तो दिखा दिया, बट वो तो जादूगर भी दिखाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। जिनका माइंड थोड़ा सा साइंटिफिक है, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोलने की। क्यों? क्योंकि वो भी इस बात को जानते नहीं है, सिर्फ मानते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर पनप रहा होगा कि अगर सच में मैं हुआ और उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाई और मैंने गुस्से में ऐसे हाथ हिलाया और पानी उठा करके उन पर फेंक दिया और उनको श्राप दे दिया कि तुम और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा अगले 1 साल के अंदर अंदर, तो क्या हालत होगी उस आदमी की? किसी की हिम्मत नहीं होगी मुंह खोलने की, और अगर किसी ने खोला तो बाकी के जो फॉलोअर्स बैठे हैं वो उसको उठा करके बाहर फेंक देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। ये है एक स्टेप एस्टैब्लिश करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, मतलब कि मुझे चमत्कार दिखाना है। दूसरा स्टेप, विच इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत तेजी से फैले, पूरे इंडिया में फैल जाए, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, तो मुझे क्या चाहिए? दूसरा स्टेप, मुझे चाहिए कि बहुत सारे लोग आ करके इस दुनिया में मेरे चमत्कारों के बारे में बात करें। क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या करता हूं, वो इतना मैटर नहीं करता, उस पर लोग क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं उस पर कोई क्या क्वेश्चन मार्क लगाएगा? सोचो कि अगर मैं ये परमिशन दे दूं अपने हर सेशन में, जैसे कि मैंने आज सेशन में दी, कि आप आ करके जो भी आपके लाइफ में चमत्कार हुआ है संदीप बाबा की वजह से वो शेयर करिए यहां पर, तो किस किस लेवल के चमत्कार आ सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। और जितना आप इन चमत्कारों को सुनते चले जाओगे, आप किसी ना किसी आदमी से रिलेट करते चले जाओगे कि अगर इसका IIT में हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। बाबा जी जो कह रहे हैं चुपचाप करते रहो, पंगे मत लो, चलते रहो चुपचाप पीछे 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 पीछे, दिमाग मत लगाओ, विश्वास करो। जहां ये वर्ड आता है ना, विश्वास करो, मतलब के दिमाग मत लगाओ, डोंट यूज योर माइंड, बस आंख बंद करके विश्वास कर लो, सवाल मत पूछो, डाउट मत करो, सामने वाले बंदे के ऊपर या उसकी बातों के ऊपर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, सिर्फ विश्वास कर लो। भाई ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दूंगा मैं यहां पर आपको, जिसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप करोगे, लोग करेंगे, मुझे सिर्फ परमिशन देनी है। मुझे यहां पर अपने लिए एक बड़ा सा सिंहासन बनवाना है जो देख करके लोगों की आंखें चुंधिया जाएं, इसमें बड़े बड़े हीरे लगवाने हैं, असली, वो भी नकली नहीं। रेस चेंज करनी होगी। हाँ रेस चेंज करनी होगी।
ड्रेस चेंज करनी होगी या नहीं भी करूं, क्योंकि बोलने के ऊपर है ना कि मैं क्या बोलता हूं। मैं बोलूंगा कि अगर भगवान इस युग में आएगा तो रामलीला के कपड़े पहन के थोड़ी आएगा, आप लोग पत्थर मारोगे, इसलिए मैं जीन्स टी शर्ट में आया हूं। मैं मॉडर्न भगवान हूं, मॉडर्न लोगों के लिए हूं, लेकिन कर वही रहा हूं जो होता आया है। समझते चले जाओ, एक झटके में मेरे पास में हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है, एक झटके में। सोचो क्या हो रहा होगा उस समय। यहां पर मैं आराम से बैठा हुआ हूं और मैंने सिर्फ परमिशन दे दी। अभी आपने देखा ही था यहां क्या हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो लोग आए वो झूठ बोल रहे थे, अरे नहीं, सब सच बोल रहे थे, बस वो एंड में जा करके एक बात बोल रहे थे कि ये जो हुआ वो इनकी वजह से हुआ। ये कौन जानता है वो किनकी वजह से हुआ, लगाओ दिमाग। क्या मेरी वजह से हुआ? जिस वक्त उनके साथ ये हो रहा था तो मैं तो बैठ करके कोई मूवी देख रहा था अपनी फैमिली के साथ में, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उनकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ। मिरेकल मतलब क्या? अब इस मिरेकल को समझना है। हर वो चीज जो इंसान को समझ नहीं आती वो उसके लिए मिरेकल है, हर वो चीज जो साइंस के दायरे से बाहर है वो उसके लिए मिरेकल है। जबकि एक्चुअल में मिरेकल नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर अपने माइंड को आपको स्ट्रांग बनाना है तो इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, कॉज एंड इफेक्ट है। हर चीज का एक कॉज होता है, उसका एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट अपने आप में एक कॉज होता है जिसमें से मल्टीपल इफेक्ट्स निकलते हैं। वो हर इफेक्ट अपने आप में एक कॉज है, और जहां पर ये कॉज पकड़ में आ गया वो साइंस है, जहां वो पकड़ में नहीं आया वो मिरेकल है। आज से कुछ साल पहले एक बीमारी फैल गई थी पूरे इंडिया में और अनगिनत लोग मर गए थे उस बीमारी की वजह से, जिसको आज हम मलेरिया बोलते हैं। सबने सुना है इस बीमारी के बारे में। क्या हुआ था जब वो बीमारी फैली थी? उसको कहा गया था महामारी, कि महामारी फैल गई है, और तरह तरह के लोग अलग अलग जगह से उठ करके आगे आ गए थे कि हमारे पास इसका इलाज है, हमारे पास इसका इलाज है, हमारे, और लोग भागे जा रहे हैं इधर से उधर। जहां जिसने बोल दिया कि हाँ आपके पास में चूर्ण है, इससे ठीक हो सकता है, चूर्ण खा लिया ठीक नहीं हुआ, आप वहां जाओ उनसे मिलो ठीक हो जाएगा, वहां भी ठीक नहीं हुआ, वहां जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ, वहां जाओ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता था, जिसको मलेरिया हुआ वो मरता ही चला जा रहा था। तो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, और हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं। हम इन सारी बातों से सीखने की बजाय इन सारी बातों को भूल जाते हैं और फिर वही गलतियां दोहराने लग जाते हैं। समझ नहीं पाते कि लोग किस तरह से हमारे माइंड के साथ में खेल रहे हैं, क्या खेल चल रहा है। तो लोगों ने बोला कि घोर कलयुग आ गया है और सब कुछ खत्म होने वाला है, भगवान को गुस्सा आ गया है, अब कोई नहीं बचेगा इस पूरी दुनिया में। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, ऐसी ऐसी बातें। सोचो क्या बोल रहे हैं कि भगवान को गुस्सा आ गया है, भगवान को, सोचो। हमने मान लिया क्योंकि हमें लगता है कि भगवान भी हमारे जैसा ही है, कि हमें गुस्सा आ सकता है तो उसकी भी शक्ल हमारे जैसी होगी, बॉडी हमारे जैसी होगी, क्योंकि हमारी छोटी सोच में वो बड़ी चीज फिट नहीं होती, तो हम भगवान को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद हैं, ना कि जैसा वो है। ऐसा है भगवान? आप में से कितने लोग अभी के अभी, मतलब कोई थियोरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकली ये देखना चाहते हैं कि भगवान कैसा है? कितने लोग देखना चाहते हैं अभी एक्सपीरियंशियल लेवल पे, मतलब थियोरेटिकली नहीं, इमेजिनेशन के लेवल पे नहीं, बातों के लेवल पे नहीं, रियलिस्टिकली। तो आप मुझे मत देखो, मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है इसको देखो, देखो इस स्पेस का क्या रंग है, क्या रूप है, क्या फॉर्म है। लेकिन सोचो अगर ये स्पेस ना हो तो कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है? सब कुछ इसके अंदर ही है, और आप कह सकते हो सब कुछ इसकी वजह से ही है, क्योंकि अगर स्पेस नहीं तो कुछ नहीं। ये सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। हर वो चीज देख लो जो इंसान ने नहीं बनाई, हर वो चीज जो इंसान ने नहीं बनाई लेकिन जिससे इंसान बना रहा है, मतलब कि हमारे बेसिक एलिमेंट्स, सब में आपको भगवान की अलग अलग क्वालिटीज नजर आ जाएंगी। आंख खोल करके सिर्फ देखना है, सिर्फ देखो कि स्पेस कैसा है, देखो कि वो सूरज कैसा है, क्या वो फर्क करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बड़ा पापी है, ये बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, तो मैं इस पर लाइट डालूंगा बाकियों पर नहीं डालूंगा। क्या पानी फर्क करता है कि मैं इसकी बॉडी में तो जाऊंगा उसकी बॉडी में नहीं जाऊंगा, वो बहुत बुरा है, वो नास्तिक है, ये आस्तिक है, इसके लिए मैं अच्छा हूं उसके लिए बुरा हूं, वो कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ प्यार करता है। देखो
पानी चाह करके भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सिंपल है ये समझने में। तो लोगों ने बोला कि भगवान को गुस्सा आ गया है, अब क्या करो, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, वो करो। लोग पता नहीं क्या क्या करे जा रहे, करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन लोग मरते रहे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो कुछ लोग एक लेबोरेटरी में बैठ करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं। वो इस बीमारी के कॉज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहां साइंस की पकड़ में कॉज आया, समझ जाओ कि उसका सोल्यूशन आया। जिस दिन हमको कॉज समझ आ गया कैंसर का, कैंसर का इलाज ऐसे हो जाएगा। कॉज समझ आने की देर है, कॉज पकड़ में नहीं आ रहा, अंदर तक नहीं आ रहा, और वो पकड़ में आ गया तो क्या समझ में आया कि ये किसी भगवान की वजह से नहीं हो रहा है, किसी भगवान को गुस्सा नहीं आया है, एक मच्छर की वजह से हो रहा है। और मच्छर भी सब तरह के नहीं, सिर्फ वो मच्छर जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वो वाला पैरासाइट है, जिस पैरासाइट के हमारे बॉडी में एंटर करने की वजह से हमको एक बीमारी होती है, जिसको मलेरिया बोलते हैं। और जैसे ये समझ आया तो उसकी एक एंटीडोट बन गई, दवाई बन गई, जिसको क्विनाइन बोलते हैं हम, सबको पता होगा। गोली खाई, ठीक, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आज अगर किसी को मलेरिया होता है और आप कहीं जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, या बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ और जा करके गोली खा। सोचो, वो लोग जो अंधविश्वास फैला रहे हैं वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साइंस के दायरे के अंदर आ चुका है। तो ये है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? पहला ये कि मुझे कुछ छोटा मोटा मेडिकल दिखाना है, उसे एस्टैब्लिश हो गया कि मैं सच बोल रहा हूं। दूसरा स्टेप क्या है? कि हजारों लोग मेरे मिरेकल्स के बारे में बात करें। तीसरा स्टेप क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो रिलीजन है ये ग्रो कर जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए। सिर्फ लाखों लोगों में मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं मेरे पास में करोड़ों लोग हों, करोड़ों फॉलोअर्स हों। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर्स, जिससे कि अगर कोई भी इंसान आप में से मेरे खिलाफ उंगली उठाए तो वो जा करके उसको मारे, उसको पीटे, उससे लड़े, उससे झगड़े कि तूने हमारे भगवान के खिलाफ उंगली कैसे उठाई। क्योंकि अब मैं सिर्फ भगवान नहीं हूं, मैं विश्वास बन चुका हूं। जिन लोगों ने ये चमत्कार सुन लिए लोगों के और मेरे चमत्कार देख लिए, उनको तो विश्वास हो गया ना, उनके लिए तो मैं विश्वास हूं। और उनके विश्वास पे किसी ने उंगली उठा दी, मतलब कि उनके बिलीफ पे किसी ने उंगली उठा दी, लड़ाई झगड़ा शुरू। अब एक बहुत मजेदार बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सुन करके आप में से कुछ लोगों को शौक भी लगने वाला है, जिसकी वजह से मैंने ये सेशन किया। कि मेरे नाम से ऑलरेडी एक रिलीजन शुरू हो चुका है, उसमें 23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मुझे इसके बारे में पता लगा था आज से 15-20 दिन पहले। कुछ लोग बोल रहे हैं वाओ हम भी जुड़ेंगे। उसमें 23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों से मैं पूछूंगा आपका रिलीजन क्या है, तो आप कहोगे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं। उनसे मैं पूछूंगा, चलो पूछ ही लेता हूं, यहां पर कितने संदीपियंस हैं? जेन्युइनली बताना, जो संदीप महेश्वरी फैन क्लब के मेंबर हैं, जो अपने आप को संदीपियंस कहते हैं, आप हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये लोग अपने आप को संदीपियंस कहते हैं। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संदीप महेश्वरी फैन क्लब। जैसे हर रिलीजन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस ग्रुप के अपने बहुत सारे रूल्स हैं। इस ग्रुप के कुछ एडमिन मेंबर्स हैं, जो अपने आप को एडमिन मेंबर्स कहते हैं, उनको आप इस धर्म के ठेकेदार भी कह सकते हो, जिनका दूर दूर तक मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है, जिनको मैं नहीं जानता। अब मैं यहां पर ना एक कन्फेशन करना चाहूंगा, मैं उन लोगों की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जगह आप होते तो आप भी यही करते, कोई और होता तो वो भी वही करता। मैं बात कर रहा हूं इस पूरे के पूरे सिस्टम की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी एक आदमी की तारीफ करने में या बुराई करने में, या कुछ लोगों की तारीफ करने में या बुराई करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इससे क्या होने वाला है, क्या हम उसको देख पा रहे हैं? अगर हमको ये समझ आ सकता है तो हमें ये भी समझ आ सकता है कि आज तक क्या हुआ हमारे साथ में। तो इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? बहुत लंबी लिस्ट है कि अगर आपने हमारे भगवान के खिलाफ, ये संदीपियंस बोलते हैं, उनका भगवान कौन है? संदीप। उसके खिलाफ में कुछ भी नेगेटिव बोला, कुछ भी, तो आपको इस ग्रुप से इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा। पहले तो आपको गालियां पड़ेंगी, उस ग्रुप के अंदर वॉयलेंस फैल जाएगा, बुरे तरीके से लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे,
क्योंकि उनके बिलीफ के ऊपर, क्योंकि संदीप माहेश्वरी इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट्स अ बिलीफ, वो लोग मानते हैं, उनके बिलीफ के ऊपर आपने उंगली उठा दी तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह के और बहुत सारे रूल्स हैं उनके, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, और वो टाइम के साथ साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ? ओके। मुझे कैसे पता लगा इस ग्रुप के बारे में? आज से करीबन 15-20 दिन पहले मेरी वाइफ के पास में उसके एक फ्रेंड का फोन आया। मेरी वाइफ की फ्रेंड ने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसको पता नहीं था कि ये ग्रुप मेरा नहीं है, उसको लग रहा था कि ये ग्रुप मेरा ही है, और उसने बताया कि इस ग्रुप के ऊपर किसी ने कुछ बहुत नेगेटिव बोल दिया है संदीप के बारे में और सब लोग उससे लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार देखता हूँ एक बार जा करके कि कहानी क्या है, क्या ग्रुप है, कौन लड़ रहा है, किस बात पर लड़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे को किसी ने माँ बहन की गालियाँ दी होगी या बोला होगा कि संदीप से बड़ा पी हमने कोई दुनिया में नहीं देखा। मोबाइल देना। तो मैंने वो पोस्ट कॉपी कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है, और वही हुआ। अभी बताता हूँ क्या हुआ। ये पोस्ट है जो एक लड़की ने किया था, उसने लिखा है आई डोंट थिंक दैट संदीप सर, संदीप पी नहीं, संदीप सर टोल्ड अस एनीथिंग न्यू विच वी डोंट नो। Why don't all person appreciate themselves to know these much things before being told by any other person? मुझे तो उनके कोई भी सेशन में कोई नई बात नहीं लगती। Exact word to word। इसमें कहीं पर भी आप में से किसी को भी कुछ offensive लगा? नहीं लगा। आप अगर ये post वहां पर जाकर के देख लेते आपकी हालत खराब हो जाती कि उस लड़की का क्या हाल किया सबने मिलकर के, इन संदीपियंस ने। Sir, I saw that post. आपने देखा था क्या हुआ था उस पोस्ट पर? बहुत ज्यादा थे। और क्या थे वो, पॉजिटिव कमेंट्स या नेगेटिव थे? नेगेटिव ही नेगेटिव। उस लड़की को पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे तेरे में अकल नहीं है, तेरे को ये नहीं पता, तेरे को वो नहीं पता, तू कैसे बोल सकती है, ये क्या बुरी हालत कर दी। और एंड में डिसीजन क्या निकाला इस धर्म के ठेकेदारों ने, मतलब कि उन एडमिन मेंबर्स ने, इस लड़की को बैन कर दिया गया, इसको धर्म निकाला दे दिया गया। अब वो अपने आप को बेचारी अपने आप को संदीपिया नहीं कह सकती। आ रहा है मजा सुनने में? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? वायलेंस तो वायलेंस है ना, चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर हो, चाहे वो फिजिकली हो, क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा तो गुस्सा है। मतलब हो क्या रहा है, ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं मेरे, ये कुछ भी नहीं समझ रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं। क्योंकि इनको अगर समझ आया होता तो इनको ये समझ आया होता कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है या जो आपका बिलीफ है उसके बारे में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं तो अब आप पॉजिटिव हो। वो तो कोई बेवकूफ भी रह लेगा। सोचो उसके लिए क्या करना है, मेरे सेशंस क्यों देखने हैं, क्यों अपना टाइम खराब करना है। किसी आदमी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। असली पॉजिटिविटी का खेल तब पता लगता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपके बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तब भी आप पॉजिटिव रह सको। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। अब मैं एक बड़ा मजेदार चीज करने वाला हूं। यहां पर कौन कौन है, यहां पर कितने संदीपियंस हैं, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने जेन्युइनली कुछ नेगेटिव पोस्ट डाला था उस लड़की के अगेंस्ट? किसी ने नहीं डाला भी होगा तो हाथ नीचे कर लेंगे ना। तो मेरा एक सवाल है उन सब से जो अपने आप को संदीपियंस कहते हैं या मेरे फॉलोअर्स कहते हैं या मेरे फैंस बोलते हैं। मैं यहां पर कोई एक बहुत बड़ा पॉइंट डिस्क्लोज करने वाला हूं आपके संदीप के बारे में, जो आपका आइडल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे आइडल है, जैसे अभी कोई आया और मेरे पैर छू रहा था। क्यों भाई, उससे छोटा लगता हूं मैं एज में? उसका छोटा भाई लगता हूं? अब देखो मैं क्या हालत करता हूं आपके आइडल की। ये आपका आइडल है ना, आपका भगवान है ना, अभी तोड़ता हूं इस भगवान को। और जो इसके बारे में बोलने वाला है वो सारी बातें 100% सच है, क्योंकि जो बोल रहा है उससे ज्यादा संदीप माहेश्वरी को कोई नहीं जानता।
है कोई जो जानता हो? जान ही नहीं सकता, क्योंकि बोलने वाला और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो मैं एक एक बात सच बोलने वाला हूं, ये बंदे में कोई खास बात नहीं है, आपके जैसा ही एक नॉर्मल सा इंसान है जिसमें कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करता चला जा रहा है, लेकिन आज भी वो परफेक्ट नहीं है और वो इस बात को जानता है कि वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जब वो परफेक्ट नहीं है तो उसकी बातें परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? तो उसके बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं, अब ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर आ रहा है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ढह जाएगा, एक दिन के अंदर अंदर पूरा बिखर जाएगा। संदीप महेश्वरी के बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बकवास है, जो किसी काम के नहीं है। और सबसे मजेदार बात बताऊं क्या है यहां पर, कि मैं आपको कभी बताऊंगा ही नहीं कि मेरे वो सेशंस कौन से हैं। अब क्या करोगे, फंस गए मेरे सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स, फंस गए। ये करके मैंने क्या किया, मैंने राइट दे दिया हर उस इंसान को मेरे बारे में उल्टा बोलने का जो बोलना चाहता है। तो अब किसी के पास में भी राइट है, वो मुझे चाहे तो गालियां दे सकता है, चाहे उल्टा बोल सकता है, मेरी किसी भी बात को चैलेंज कर सकता है और जाकर के लिख सकता है कि दिस इज क्रैप, दिस सेशन इज क्रैप, और आप उसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कहेगा यार तुम्हारे संदीप ने तो बोला है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। अब मेरा ये सवाल है उन सब संदीपियन से, मेरा क्या करोगे, क्या करोगे, सोचो। संदीप महेश्वरी को संदीप महेश्वरी फैन क्लब से निकाल दोगे, क्या करोगे? जिसके लिए आप लड़ रहे हो उसी को मारोगे, क्या करोगे? तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ दो ऑप्शंस बचे। एक तो ये कि अगर आपको ब्लाइंड फॉलोअर बनने का शौक है तो आपको इस संदीप को छोड़ना ही होगा। अब आप संदीपियंस नहीं बन सकते क्योंकि आपका ये संदीप परफेक्ट नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में, कि संदीप को छोड़ना है, इट इज यूजलेस, ये सिर्फ आपकी एक इमेजिनेशन है। किसी को पता है कि असलियत में संदीप कैसा है? आपकी अपने माइंड की एक प्रोजेक्शन है कि संदीप ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अगर मैं सबसे पूछ लूं यहां पर एक एक करके कि संदीप कैसा है, सब अलग अलग बातें करेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन क्या बचा कि आपको इसको छोड़ना होगा, इसकी बातों को भी छोड़ना होगा, इसकी बातों से भी आप नहीं चिपक सकते, क्योंकि जिन बातों से आप चिपकोगे आपको पता ही नहीं कि वो बात सही भी है गलत है। इसकी बातों को सुन करके अपने दिमाग को यूज करना होगा। हर बात को सुन करके समझना होगा कि ये जो बोल रहा है क्या ये मेरी लाइफ की सिचुएशन से रिलेट हो रहा है, क्या मेरी बुद्धि को ये बातें समझ आ रही हैं, या मेरे कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ बने हुए थे और मैंने उनको छोड़ करके इसको सुनना शुरू किया, अब वो बिलीफ्स हट गए, नए बिलीफ्स अंदर आ गए। किस काम के हैं ये बिलीफ्स, किस काम के हैं ये बिलीफ्स? किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ लोगों को आपस में लड़वाते हैं। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है? बिलीफ्स, कि तेरा भगवान जो कह रहा है वो गलत है। संदीप महेश्वरी चलो वो भगवान है, बाबा है, कुछ नहीं है, एक लड़का है जींस में, लेकिन उसकी बातों से अटैच हो गए कि वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो गलत है। क्या होगा, इनकी आपस में लड़ाइयां हो, और इस चीज को मैं बिल्कुल क्लियर देख पा रहा हूं, इसीलिए सेशन करने का मैंने सोचा, विच वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सोचो आज इस ग्रुप के अंदर 20-25,000 लोग हैं, आने वाले कुछ साल बाद कितने लोग होंगे, लाखों लोग, और आने वाले और 500 साल बाद या 200 साल बाद, 300 साल बाद करोड़ों लोग। और इस धर्म के जो ठेकेदार होंगे उस समय, उनके खिलाफ किसी में उंगली उठाने का दम होगा? क्योंकि वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनका मेरे से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, किसी में दम नहीं होगा। ये धीरे 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 टाइम के साथ साथ स्ट्रांग होते चले जाएंगे। 20,000 कब 2 लाख हो जाएंगे, कब 20 लाख हो जाएंगे, कब 2 करोड़ हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और सोचो वहां पर 2 करोड़ लोग हो गए और उन्होंने जाकर के पोस्ट डाल दिया कि अब संदीप महेश्वरी जी नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है, मतलब जेन्युइनली मैं नहीं रहा, मान लो कभी ना कभी तो ये चीज होनी है ना, कल भी हो सकती है, 50 साल बाद भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो ये चीज हुई, इस चीज का देखो अब ये लोग कैसा फायदा उठाएंगे, जाकर के पोस्ट डालेंगे कि अब वो नहीं रहे और उनकी हमको एक मूर्ति बनवानी है जिसके लिए हमको कुछ पैसा चाहिए। एक मिनट में अगर आपने 100-100 रुपए भी दिए, 1,000-1,000 रुपए भी दिए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और जहां मेरे नाम की कोई मूर्ति बनी, एक जगह बनी, एक गढ़ बना,
वहां पर जाकर के सारे ठेकेदार बैठ जाएंगे और अब फैलना शुरू कर देंगे। देखो बुद्ध के टाइम पे क्या हुआ, पूरी अपनी लाइफ में गौतम बुद्ध एक ही बात बोलते रहे, एक ही बात, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। ये एसेंस है उनकी पूरी की पूरी टीचिंग्स का। और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। जहां पर भी उनको कोई अंधविश्वास दिखता था उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते थे, सामने आकर के खड़े हो जाते थे और लोगों से सवाल करते थे। हुआ क्या उनके जाने के बाद में, उनके नाम के हजारों मंदिर बन गए, हजारों मूर्तियां बन गई जहां पर लोग जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और बुद्ध से मांग रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी करो, मतलब कि मेरे डिजायर्स को पूरा करो। उस आदमी से मांग रहे हैं जो कह रहा है कि अपने डिजायर्स को छोड़ो, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, कोई इनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहा है कि भाई आप बुद्ध के कौन हो। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, और ऐसा एक ग्रुप नहीं है, तो ये मत समझो मैं किसी एक ग्रुप की तरफ उंगली उठा रहा हूं या मैं किसी कुछ लोगों की तरफ उंगली उठा रहा हूं जो इसके एडमिन मेंबर्स हैं, मैं ये पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ उंगली उठा रहा हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जिन्होंने भी मेरे नाम से ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ मुझे पता लगा था कुछ बाहर की सिटीज में लोगों ने ऑफलाइन भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी है मेरे फॉलोअर्स के नाम से, तो वो सब इमीडिएटली बंद कर दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, कि अगर मेरे जीते जी या मेरे इस दुनिया से जाने के बाद में कोई भी इंसान, कोई भी मतलब कोई भी, उठ करके मेरे नाम से कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, या किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप बनाए, तो उन सब लोगों को मैं अभी इस वीडियो के थ्रू ये राइट दे रहा हूं, वो सब लोग जो कि मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है, जो लीडर हैं, जिनके पास में अपना खुद का दिमाग है, जो सोच समझ सकते हैं चीजों को, उन सबको ये राइट मिल रहा है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले एक वार्निंग दी जाए। किसी भी चीज के लिए वो आपसे पैसा मांग रहे हैं या ग्रुप बना रहे हैं, आपको अपने साथ में जोड़ने का कह रहे हैं, उनको इमीडिएटली वार्निंग देनी है कि बंद करो इस खेल को। और अगर वो बंद ना करें तो आप सबके पास में राइट है जो मैं अभी इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूं, उन लोगों के अगेंस्ट में इमीडिएटली एफआईआर कराई जाए और उनको उठा करके जेल में डाला जाए। और फिर ये लोग, चाहे मेरे अपने फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो, तो यहां पर मैंने ऑफिशियली ये अथॉरिटी दे दी है आप सबको। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है, फॉलोअर बनाना नहीं है, फैंस बनाना नहीं है। मैं क्या करूंगा आपका फैंस का, मैं जब इसी से अटैच नहीं हूं तो आपसे क्या अटैच होऊंगा? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू मी? मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े करना। लीडर कौन है जिसकी सोच उधार की नहीं है, खुद की है?